अगर आपके पास एक ब्लॉगर वेबसाइट है और उसमें है आप गूगल एडसन अप्रूवल लेना चाह रहे हो, तो दोस्तों गूगल एडसन अप्रूवल लेने से पहले आपको अपनी वेबसाइट में ये चार पॉइंट जो है आपको चेक करना है। अगर आपने ये चार पॉइंट जो है अगर आपने सही से किया है तो आपको गूगल एडसन से आसानी से जो है आपको अप्रूवल मिल जाएगा। दोस्तों ये चार क्या पॉइंट है इसी वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों मेरा नाम सुजीत दास है, आप जरूर टैग करो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल घंटे को दबा के ऑल बटन में क्लिक कीजिए। चलो दोस्तों ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला पॉइंट जो ये है आपकी ब्लॉगर की होम पेज। इस होम पेज का अगर आपने सही से कस्टमाइज या फिर डिजाइन किया तो आपकी जो है लुक जो है आपकी वेबसाइट पे काफी देखने का अच्छा मिलेगा। तो हमें सबसे मेन पॉइंट जो है हमारी जो ब्लॉग का जो है होम पेज है वो हमें जो है कस्टमाइज करना है। तो दोस्तों अगर आप डिफॉल्ट जो थीम जैसे कि ब्लॉगर से आता है उनमें अगर करते हो ज्यादा कस्टमाइज नहीं कर सकते, लेकिन आप जो फ्री कुछ जो है थीम मिल जाता है जो कि उसमें आप जो है काफी अच्छे से अपनी वेबसाइट की होम पेज को अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हो। तो दोस्तों ये सबसे पहले आपको ये चीजें करना है अपनी ब्लॉग का होम पेज को अच्छे से डिजाइन करके, जिससे कोई भी अगर आपका व्यूअर अगर देखने के लिए आता है जैसे आर्टिकल पढ़ा उसके बाद बैग आके आपके होम पेज में भी आया, तो ये लगना चाहिए आपकी वेबसाइट काफी प्रोफेशनल है और यहाँ पे उनकी जो इंटरेस्टिंग चीजें है वो यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट आपको जो है पॉइंट ये चीजें आपको करना है अपनी ब्लॉगर में। सेकेंड पॉइंट ये आता है दोस्तों यहाँ पे आपको जो भी आर्टिकल आप लिखते हो यहाँ पे आपको यूनिक लिखना है। आपको कॉपी पेस्ट या फिर किसी टूल की मदद से आप उसको ट्रांसलेट वगैरह करके आप बिल्कुल भी पेस्ट मत कीजिए, नहीं तो कल को क्या होगा आपकी जो है जो भी ब्लॉग आर्टिकल आप पेस्ट करोगे उसमें कॉपीराइट थोड़ा बहुत आएगा या फिर आपकी जो आर्टिकल है वो रैंक ही नहीं करेगा गूगल पे। इस चीज का सबसे पहले आप ध्यान रखिए, जो भी आर्टिकल लोगे आप यूनिक लिखीजिए। ठीक है दोस्तों, थर्ड ऑप्शन ये जब भी आप आर्टिकल लिखते हो वहाँ पे मिनिमम आपको जो है 700 से 1000 जो है वर्ड के आपको आर्टिकल लिखना है। इससे क्या होगा आपकी जो भी व्यूअर आएगा वो उनको पूरी आर्टिकल जो है पढ़ने को मिलेगा और यहाँ पे टाइम थोड़ा सा स्पेंड करेगा, उससे आपकी जो आर्टिकल की इम्प्रेशन और एंगेजमेंट है वो बढ़ते जाएगा, इससे आपका ही बेनिफिट है यहाँ पे। तो आप हमेशा कोशिश कीजिए जब भी आप आर्टिकल लिखते हो ज्यादा लिखे वर्ड का, ज्यादा से ज्यादा वर्ड के, ये नहीं जो ब्लॉगर ने बोल दिया भाई 300 वर्ड मिनिमम लिखना है 500 वर्ड लिखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज्यादातर आपकी जो भी आप कहानी लिख रहे हो उस आर्टिकल में उस हिसाब से आप ज्यादा लिखने की कोशिश करें, जिससे आपकी पब्लिक जो है आपकी आर्टिकल में टाइम स्पेंड करे और उससे आपकी जो आर्टिकल जो है एक एंगेजमेंट अच्छा मिले और प्लस उनमें इम्प्रेशन भी आए। ठीक है, तो ये SEO की सबसे बेस्ट जो है आपके आर्टिकल को मतलब इंटरेस्टिंग होना चाहिए। ठीक है, और कुछ आर्टिकल जब भी लिखते हो ऐसे नहीं वर्ड वर्ड है, कुछ पिक्चर उसके बाद उसकी कुछ पॉइंट जो भी आर्टिकल में है मेन मेन पॉइंट आप उसको जो पॉइंट में रखी है, ठीक है, उसके बाद आप उसको बोल्ड कीजिए। तो इस तरह से डिजाइन वाइज जो है आपको आर्टिकल लिखना है और जिससे लागे मतलब जो भी पब्लिक आपको देखने के लिए आते हैं और उनको लागे जो ये आर्टिकल मेरी पूरी मदद किया, इस आर्टिकल में सारे पॉइंट यहाँ पे देखे रह गए उससे मेरी जो काफी मदद हो चुका है। ठीक है दोस्तों, फोर्थ जो पॉइंट है ये है दोस्तों, जब भी आप आर्टिकल लिखते हो लेकिन वहाँ पे जो है आप नीचे नीचे हमेशा एक चीज करना ये जरूरी है। जब भी आप लिखते हो तो वहाँ पे क्या पूरा आर्टिकल लिख लिया आपने, उसके बाद आपको नीचे नीचे के आपको सजेस्ट करना है आपके नेक्स्ट जो आर्टिकल है वहाँ पे कुछ बटन लगाना है, जैसे कि मोर आर्टिकल या फिर मोर इंटरेस्टिंग स्टोरी इस टाइप की या फिर नेक्स्ट, इस तरह से बटन लगा के जिससे आपको जिससे पब्लिक क्या है उसमें क्लिक करके नेक्स्ट पेज में चल जाएगा और आपका एक आर्टिकल तो हो गया कंप्लीट, आपके एंगेजमेंट भी मिल गया और यहाँ पे व्यूज भी मिल गया प्लस आपकी इंप्रेशन भी मिल गया। तो नेक्स्ट आप इस तरह से बटन लगाओगे तो आपका नेक्स्ट जो आर्टिकल है उसमें भी आपका एंगेजमेंट अच्छे से मिलेगा, कल को अगर वो पढ़ना चाह रहा है जो उनके हिसाब से अगर वो आर्टिकल सही है और उसमें वो इंटरेस्ट रखते हैं उस पढ़ने के लिए तो उसमें क्या है आपको काफी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरह से आप जब भी आर्टिकल वगैरह लिखते हो उनमें सजेशन दे और मेन चीज आप आर्टिकल में लिखते हो तो उसकी जो पूरी कहानी है उसको समझाने की कोशिश करें, जो भी आपकी पब्लिक आते हैं उसको दे पढ़ने के लिए तो उसको समझाने की कोशिश करें, हाँ इस कैमरा की इस लेंस में ये काम करता है, उसके बाद लेंस में क्या क्या पॉइंट होता है क्या क्या लगते हैं लेंस में वो सारी चीजें आप ए टू जेड एक बता दीजिए, तो उससे क्या है कस्टमर को पूरा सर्टिफाई हो जाता है जो आपका आर्टिकल पढ़ के। ठीक है, नेक्स्ट टाइम वो क्या करेगा आपकी जो आपकी ब्लॉग को सब्सक्राइब भी करके रखेगा
प्लस जो है वो हमेशा आपकी जो आर्टिकल, आपकी जो वेबसाइट है, यूआरएल जो है सर्च हमेशा करते रहेगा इस तरह से। मतलब ये लगेगा आपकी ब्लॉग में उनके हिसाब से जो आर्टिकल चाहिए वो आपके ब्लॉग में मिल जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ की ध्यान रखें, इन पॉइंट को अगर आप सही से करते हो, इस तरह से आपको मेटा टैग, डिस्क्रिप्शन अपडेट करना, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बता चुका हूँ, कस्टम डोमेन कैसे लगाना चाहिए, ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो तो आपको आसानी से गूगल एडसेंस से अप्रूवल मिलेगा। दोस्तों ये थोड़ा छोटा सा एक जो छोटे छोटे पॉइंट है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में हमारे चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, और नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो आएगा आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, इसलिए बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉचिंग करने के लिए। I'm not afraid of the dark.